हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मायास हिंदी। आज की वीडियो में गाइस मैं आपको हरवोदया ब्रांड के नीलावेम्बू कश्यम के बारे में रिव्यू दूंगी। इसके बारे में बताऊंगी कि ये टॉनिक आपके बॉडी को, आपके शरीर को किस तरीके से फायदा देता है। डिटेल में गाइस आज अपन इसका रिव्यू करेंगे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, यूजेस, प्राइस, डोज, इन सब के बारे में। तो गाइस, यदि आप अपने शरीर को हेल्थी और स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, खांसी ठंड जैसी समस्या से परेशान है, पुरानी से पुरानी एलर्जी को कम करना चाहते हैं, शरीर के दर्द और वायरल बुखार से आराम पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपन बात कर लेते हैं हरवोदया ब्रांड के नीलावेम्बू कश्यम इम्यूनिटी बूस्टर टॉनिक के बारे में। ये गाइस मार्केट में आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जो कि शरीर के दर्द के साथ साथ वायरल बुखार का इलाज करता है, संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा, तीव्र और पुरानी एलर्जी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। इसके अंदर गाइस ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि किसी भी प्रकार के संक्रमण से आपके शरीर की रक्षा करने में मदद करती हैं और आपके शरीर को हेल्थी बनाए रखने का काम करेंगे। कोई भी हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आप इजीली तरीके से इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। डोज की बात करें तो एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को, आपको दिन में दो बार ये टॉनिक लेना है। कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि किस तरीके से सेवन करना है, किस तरीके से नहीं करना, क्योंकि गाइस हर किसी की बॉडी की स्थिति अलग अलग होती है, मेडिकल स्थिति अलग अलग होती है, किसी को फायदा देती है तो किसी को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट के बिना आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना ही आप इसे ओवर डोजेस लें। गाइस यदि आप पहले से किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं या फिर आप पहले से अन्य प्रकार की दवाई या टेबलेट को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। प्राइस की बात करें तो गाइस इसका प्राइस कोई फिक्स नहीं है, टाइम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। 200 ml की पैकेजिंग गाइस आपको 135 रुपए में मिलेगी, जिसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जैसा भी दोस्तों आपको सही लगे आप इसे वहां से खरीद सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो गाइस आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जहां भी आपको सस्ता अफोर्डेबल मिले आप इसे वहीं से परचेज करें। वैसे तो गाइस हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन कर रखा है, अगर आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके भी इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। याद रखिए गाइस, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आप जरूर चेक कर लें। कुछ लोग गाइस एक्सपायरी डेट देखे बिना ही प्रोडक्ट को परचेज तो कर लेते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि आपने एक्सपायरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली बात है गाइस उसका साइड इफेक्ट तो होना ही होना है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ, जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही तो हमेशा ध्यान रखें हाँ जो भी प्रोडक्ट परचेज करें तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट तो अपन को चेक करनी ही करनी है। लेकिन याद रखें गाइस, यदि आप प्रेगनेंसी की अवस्था में हैं या फिर आप अन्य प्रकार की दवाई या टैबलेट को इस्तेमाल में ले रहे हैं, तो इस सिरप को लेने से पहले, इस टॉनिक को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट आपको जरूर करना है। डॉक्टर से कंसल्ट के बिना इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही आपको ओवर डोजेस लेना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो के अपडेट मिलती रहे, नई नई जानकारियां मिलती रहे। और गाइस बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालते हैं टाइम टू आपके पास पहुंचती रहे और उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर होता रहे। फिर भी गाइस यदि आपको इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या किसी अदर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अन्य प्रकार की जानकारी जाननी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।